अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 5 प्लस की लेसन इंट्रोड्यूस शॉर्ट वाउल्स के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे ए ए वाउल के बारे में। जी डियर टीचर्स, इससे पहले कि हम बुक के पेज की तरफ जाएं, हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी की मदद से हम बच्चों को ये आइडिया देंगे कि कॉन्सनेंट्स और वाउल्स मिलकर वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम फ्लैश कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और हम बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप बच्चों को पिक्चर्स दिखाइए या ऑब्जेक्ट्स दिखाइए या उनके बारे में कोई सवाल पूछिए, किसी जानवर का नाम निकालें। जैसे मिसाल के तौर पे मियाओ तो बच्चा बोलेगा ये कैट है, आप कैट की पिक्चर भी दिखा सकते हैं। जब आपने बच्चे ने आपको ये बता दिया कि ये कैट है, आप बच्चों से ये पूछें कि कैट किन अल्फाबेट से बनता है, वो है सी ए टी या कैट। अब बच्चों से ये पूछें कि बिगिनिंग साउंड, मिडिल साउंड और एंडिंग साउंड में वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सनेंट्स कौन से हैं। बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे और इसी तरह से आप उनको और चीज़ें दिखाते जाएं, बच्चे आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि ये किन चीज़ों के नाम हैं, उनकी बिगिनिंग साउंड, मिडिल साउंड और एंडिंग साउंड कौन सी है, और इससे उनको आइडिया हो जाएगा कि कॉन्सनेंट्स और वाउल्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं। हम अगर अपने बुक के पेज को देखें तो हमारे पास बुक के पेज में कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, उन पिक्चर्स के साथ कुछ वर्ड्स हैं और साथ ही हमारे पास फन टाइम भी है। पहले हम फोकस करेंगे अपनी पहली 3 पिक्चर्स की तरफ, जिसकी हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती है रीड द वर्ड्स एंड नोटिस द साउंड ऑफ शॉर्ट वाउल ए। जी, तो तीनों पिक्चर्स दिखाएं और बच्चों से पूछें कि ये किन चीज़ों की पिक्चर्स है। आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड, द मिडिल साउंड एंड द एंडिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर वर्ड। जनाब, तो पहला है हमारे पास कैट, बैट और फिर हैट। अब इन तीनों की मिडिल साउंड कौन सी है, ए। वो ए जो है इट्स अ शॉर्ट वाउल साउंड, बिल्कुल, इसलिए तो वो रेड से है। इसके बाद हम चलेंगे अपने फन टाइम की तरफ। फन टाइम में होगा ये लिसन एंड रिपीट, यानी आप एज अ टीचर इसको पहले पढ़ेंगी लाइन बाय लाइन और बच्चे आपके बाद इसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद आपने बच्चों को फोकस करवाना है ऑन द शॉर्ट वाउल ए। जब ये वाला काम हो जाए तो फिर हम चलेंगे अपने अगले राइटिंग टास्क की तरफ और वो है राइट डाउन मिसिंग वाउल साउंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और मिसिंग अल्फाबेट साउंड ए को लिखेंगे। पहला है बैग, फैन, कैप, मैट, हैट, पैन, वैन, टैग। जी जी टीचर्स, लेसन को एंड करने से पहले हम रीइंफोर्समेंट करेंगे। वो रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी आप बोर्ड की मदद से कर सकते हैं, यानी कि आप वर्ड को बोर्ड पे लिखें विद द मिसिंग ए साउंड यानी शॉर्ट वाउल साउंड और बारी बारी बच्चों से बुलवाएं और बच्चों से उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं। इससे बच्चों की ए की फॉर्मेशन भी आपको पता चल जाएगी और बच्चों को शॉर्ट वाउल ए की पहचान भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़ रहे हैं बोलती किताबों के साथ।